एक गुड न्यूज है यहाँ पे नेपाल के क्रिकेट फैंस के लिए, मतलब आप नेपाल के क्रिकेट फैंस कह सकते हो, प्लस संदीप के फैंस कह सकते हो, दीपेंद्र के फैन कह सकते हो, उनके लिए G20I जो कनाडा में होने वाला है लीग मैचेस, उनमें संदीप लामिचाने और दीपेंद्र सिंह एरी जिस टीम में है ना, उसके कप्तान जो है चुन लिए गए। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो पहले ये र्यूमर था, लेकिन अब पूरा कंफर्म हो गया कि जिस टीम में संदीप और दीपेंद्र खेलेंगे उस टीम का कप्तान जो है वो होने वाला है आपका मोहम्मद रिजवान। सही सुन रहे हो आप लोग, मोहम्मद रिजवान। अब देखो उस टीम में बाबर आजम भी है, मोहम्मद आमिर भी है, मोहम्मद रिजवान भी है और आसिफ अली है। चार पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको उस टीम में दिखेंगे, जिसमें नेपाल के दो खिलाड़ी है, दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप लामिचाने। और कहीं ना कहीं ये स्क्वाड काफी ज्यादा मजबूत स्क्वाड थी, लेकिन आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई बाबर आजम को कप्तानी क्यों नहीं दिया गया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अभी करंट टाइम में तो बाबर आजम है ना, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी हटा के यहाँ पे रिजवान को दे दिया गया, क्या ये टीम सक्सेसफुल होगी? तो देखो पहली बात तो ये, जहां पे संदीप लामिचाने और दीपेंद्र सिंह एरी रहेंगे वहां पे ये टीम सक्सेसफुल जरूर होगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि भाई जहां संदीप हो वो टीम अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, रही बात यहाँ पे विकेट निकालने के लिए, तो देखो यहाँ पे कैप्टन से इतना मैटर नहीं करता, कैप्टन आपके लिए प्लानिंग स्ट्रेटजी ये सब बनाता है, लेकिन मेन मुद्दा है कि आपके खिलाड़ी आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो देखो नेपाल के खिलाड़ियों का काम रहेगा कि भैया संदीप को विकेट निकालना है, दीपेंद्र को विकेट निकाल के रन बनाना है, समझ रहे हो, ये काम रहेगा। अब मैं कप्तानी की बात थोड़ा कर लूँ, तो देखो बाबर आजम की कप्तानी अभी ना, अभी करंट टाइम पे मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत फ्लॉप है, और वैनकोवर्स नाइट का जो ओनर है, जो मैनेजमेंट है, वो नहीं चाहता था कि भाई बाबर आजम कप्तान बने, क्योंकि रिसेंट जिस तरीके की बाबर आजम की यहाँ पे फॉर्म और कप्तानी देखी गई है ना वर्ल्ड कप के अंदर, आप रिस्क नहीं ले सकते। और जो ये G20I लीग की जो फ्रेंचाइज है वैनकोवर नाइट, उन्होंने भी जो है ना रिस्क नहीं लिया, उनको लगा कि भाई कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से अच्छी कप्तानी कर सकता है, और इसीलिए जो है उन्होंने जिस टीम में दीपेंद्र और संदीप लामिचाने हैं उसका कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया। और आप सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान और संदीप लामिचाने, दीपेंद्र सिंह एरी का रिलेशन कितना अच्छा है, पिछले साल ये लोग पाकिस्तान गए थे खेलने के लिए, नेपाल के खिलाड़ी तो बहुत अच्छा भव्य स्वागत किया था, समझ रहे, ऐसा है। तो यहाँ पे आप वही कह सकते हो कि बाबर से कहीं ना कहीं स्किल्स में कप्तानी के बेटर अब भी करंट टाइम पे मोहम्मद रिजवान है, और ये इसलिए है क्योंकि मोहम्मद रिजवान आप कह सकते हो PSL में भी देखो तो इसकी जो टीम है वो हर 3 साल से भाई यहाँ पे खेल रही है, 2021 में भी खेला इन्होंने फाइनल, 2022 में भी खेला, 2023 में भी खेला और 2024 में भी खेला। अलग बात है कि रिजवान की कप्तानी में इनकी टीम फाइनल नहीं जीत पाती है, लेकिन 3-4 साल से ये लोग लगातार फाइनल में पहुंच गए, PSL की बात करो। वहीं बाबर की कप्तानी में इनकी टीम फ्लॉप रही है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करो या PSL की बात कर लो। तो वैनकोवर नाइट के मैनेजमेंट को लगा कि यार रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं एक बार रिजवान को कप्तानी देके देखना चाहिए, समझ रहे हो, इसीलिए जो है रिजवान को कप्तानी दे दी गई है। और इसके अंडर जो है आपको संदीप लामिचाने, दीपेंद्र सिंह एरी खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि रोहित पौड़ेल जिस टीम में, उसका कप्तान अभी तक जो है शायद डिसाइड नहीं किया गया, तो उसको लेके भी अगर कुछ खबर आती है तो मैं आपको बता दूंगा। देखो ये जो G20I लीग है 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे आपको बहुत ही खतरनाक खतरनाक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, डेविड वार्नर, मार्कस टोइनिस, उसके बाद ये आप कह सकते हो भाई हेट मायर, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी यार, बहुत सारे, केएल मायर्स जो है वो है, साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है, समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसा खिलाड़ी है जो अभी T20I खेले थे और जो IPL में खेलते हैं। इनके सामने नेपाल के खिलाड़ियों का होना कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई नेपाल के खिलाड़ी जो है वो कितने ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं वर्ल्ड में, इसीलिए इनको चुना गया, समझ रहे हो। तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में बस ये टीम अच्छे से खेले, और कहीं ना कहीं मैं कहूँ भाई तो ये टीम काफी ज्यादा तगड़ी है, जिसमें बाबर आजम ओपनर बैट्समैन है, मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग बैटिंग करेगा, मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर है, संदीप लामिचाने मिस्ट्री स्पिनर, दीपेंद्र सिंह एरी परफेक्ट ऑलराउंडर। तो ये टीम मेरे हिसाब से परफेक्ट टीम थी, और G20 लीग में जो फ्रेंचाइज है वैनकोवर नाइट्स की, वो चाहेगी कि भाई इसकी टीम जीते, इसीलिए उन्होंने जो इतने खतरनाक खतरनाक प्लेयर्स जो है अपनी टीम में लिए, समझ रहे, ऐसा है। तो देखो यहाँ पे 25 जुलाई से मैचेस स्टार्ट है और 15 या 12 अगस्त तक जो है मैचेस चलेंगे, और कह सकते हो कि भाई मतलब मजा आने वाला है इस लीग में, बड़े खतरनाक खतरनाक खिलाड़ी, जैसे मैंने आपको बता दिया डेविड वार्नर, मार्कस टोइनिस, केल मायर्स, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी सब है, उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिबुल हसन भी खेल रहे हैं, समझ रहे हो, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ नेपाल के खिलाड़ियों को जो है प्रैक्टिस मिलेगी, और इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हो नेपाल के खिलाड़ियों का ही फायदा है, इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलोगे तो आपका एक्सपीरियंस लेवल जो है वो काफी टॉप क्लास जाएगा।
बाकी देखो दोस्तों, इसको लेके आप क्या क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा पुलिस के बारे में जो है क्या सोचते हो, वीडियो के ज्यादा शेयर करना।